तो गाइस विंस मैकमैन को लेकर बहुत अलग लेवल पर कंट्रोवर्सी हो चुकी है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बात यहाँ पर से स्टार्ट होती है WWE एम्प्लॉय से, जो कि एक फीमेल एम्प्लॉय थी। एंड साल 2019 में WWE ने उन्हें हायर किया था। एंड गाइस उनको पहले 100K की सैलरी मिला करती थी, लेकिन उसके बाद उसकी डबल हो गई महीनों में ही। एंड इसके बाद इससे भी ज़्यादा पैसे मिलने लग गए। एंड इसके बाद गाइस जो है उसको बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह भी मिलने स्टार्ट हो गए। एंड यहाँ पर से गाइस जो है इसके बाद जो है ऐसी भी बात आने लगी कि वो जो है अफेयर के साथ है, विंस मैकमैन के साथ उनका अफेयर है। ऐसी बातें भी गाइस जो है सामने आ गई। और गाइस इसके बाद क्या चीज़ें होती है कि ये बातें सारी अब जो है जाके सामने निकल के आती है। लेकिन भाई इसके बाद WWE क्या करती है, साल 2020 के अंदर जो बजट कट के अंदर WWE रिलीजेस करती है, तो उसके अंदर उस एम्प्लॉय को WWE ने रिलीज कर दिया। एंड यहाँ पर से वहाँ पे लगा कि ये सारी चीज़ें कुछ मतलब आगे बढ़ेगी नहीं, लेकिन अब जाके ये बात बहुत बढ़ चुकी है। एंड गाइज अब यहाँ पर से उस जो है उसने इस बात को क्लेम किया उसने कि जो है यहाँ पर से विंस मैकमैन ने उनके साथ जो है विंस मैकमैन जो है यहाँ पर उनके साथ अफेयर में थे। एंड यहाँ पर से जो है कुछ यहाँ पर बातें भी इनके बीच मतलब ऐसी कही हैं। एंड यहाँ पर से गए यहाँ पर से भी कुछ बातें जो कि वो रिवील करती है। एंड गए इतना ही नहीं बल्कि गए विंस मैकमैन उसको $3 मिलियन भी पे करते कि मुंह बंद करने के लिए, भाषा में कहे सीधी भाषा में तो गाइस मुंह बंद करने के लिए उसको $3 मिलियन पे करती है। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि $3 मिलियन मतलब भाई $3 मिलियन WWE में से पे किए हैं या फिर गाइस यहाँ पर से क्या खुद के पैसों में से उन्होंने पे किए, ये बात पता नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पर से ये कुछ बातें फिलहाल हैं, इन्वेस्टिगेशन बहुत चालू है इसके पीछे। एंड गाइस डे मेल्जर के रिगार्डिंग अब जो है विंस मैकमैन का एंडी होने वाला है उनके करियर का। एंड विंस मैकमैन एंड वैसे भी जो है उनकी वाइफ जो है लिंडा मैकमैन एक साथ नहीं रहते। एंड यहाँ पर से ये भी कुछ इसके रिगार्डिंग स्टोरी। एंड गाइस यहाँ पर से जो है वो जो एम्प्लॉय थी उसने जो है कुछ गाइस यहाँ पर से विंस मैकमैन के ऊपर जो है सेक्सुअल एलिगेशन के भी कुछ जो है यहाँ पर से बातें भी कही। एंड यहाँ पर से ये गाइस जो है बातें विंस मैकमैन के मतलब भाई बहुत ज़्यादा अब जो है विंस मैकमैन को लेकर बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी ये बन चुकी है। एंड गाइस यहाँ पर से बात है यहाँ पर से कि गाइस अभी फिलहाल ना तो शेन मैकमैन कंपनी में है, शेन मैकमैन ने कंपनी छोड़ दी, स्टेफनी मैकमैन ने कंपनी से ब्रेक लिया मतलब वो छोड़ ही दिया है, ट्रिपल एच का भी वही हाल है। एंड कोई भी गाइज अब WWE के अंदर मतलब ही मैकमैन फैमिली से तो कोई WWE में भी तो फिलहाल है नहीं। एंड पता नहीं गाइज यहाँ पर से सभी जा रहे हैं, एंड क्या विंस मैकमैन का भी क्या कुछ नेक्स्ट है, वेल यहाँ पर से पता नहीं कुछ बात है। लेकिन गाइज यहाँ पर से बहुत बड़ी चीज़ विंस मैकमैन एंड इवन कह लो पूरी WWE के रिगार्डिंग ये कॉन्ट्रोवर्सी टाइप हो चुकी है। लेकिन भाई फैंस भी जो है यहाँ पर से इसके ऊपर जो है अपने अपने ओपिनियंस देते ही रहते हैं। एंड गाइज यहाँ पर से विंस मैकमैन को लेकर इस सिचुएशन को लेकर भी कुछ एक सेपरेट वीडियो चैनल पर डेफिनेटली ज़रूर आएगी। एंड यहाँ पर से उसके बारे में हम लोग और भी बातचीत करेंगे। लेकिन गाइज यहाँ पर से ये फिलहाल कुछ बहुत मेजर चीज़ हो चुकी है आज WWE के अंदर। एंड आज वैसे भी साशा बैंस को भी रिलीज़ कर दिया, मतलब आज बहुत बड़ी चीज़ें WWE में हो चुकी है। वेल इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियंस है डेफिनेटली मुझे शेयर करना कमेंट्स के अंदर। लेकिन गाइस आज के फिलहाल हमारी वीडियो बस इतनी सी थी। एंड वीडियो अगर पसंद होगी तो लाइक कर सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।